हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो हमारा यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है जी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमारेट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा छठवीं का जो ग्रीष्मकालीन परियोजना है उसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, भारत में खेले जाने वाले खेलों के नाम की जानकारी दें। तो यहाँ पास आप भारत में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं। दो बॉक्स बना के खेलों का नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट में सेकेंड में लिख सकते हैं खिलाड़ियों की संख्या। तो खेलों का नाम है कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, फुगड़ी, शतरंज, बैडमिंटन, और कितने खिलाड़ी खेलते हैं उसको बता सकते हैं, जो भी जितने खेलते हैं उसको। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्यौहारों के नाम एवं महीना लिखो। तो वहाँ पास छत्तीसगढ़ में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और उसके कौन से मंथ में वो आता है उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पास है हरेली, रक्षाबंधन, तीजा, पूरा, दशहरा, दीपावली, होली। तीसरा स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन, भारत के राज्य एवं राजधानी की नाम लिखो अंग्रेजी में। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखना है। भारत में कितने राजधानी होते हैं उसका पूरा नाम लिखना है। 28 राजधानी होता है, राज्य होता है उसका लिखना है, और राजधानी भी 28 होता है। तो यहाँ पास आपको दोनों को बताना है अंग्रेजी और हिंदी में नाम लिख के। प्रश्न क्रमांक चौथा स्टार्ट होता है, ज्वलनशील पदार्थों की सूची तैयार करें। ज्वलनशील पदार्थ कृति में प्रकृति, यहाँ पास ज्वलनशील पदार्थ कौन से ज्वलनशील पदार्थ होता है जो उसको आपको बताना है एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में लिखना है वो कृति में है कि प्रकृति। तो यहाँ पास झिल्ली, कागज़, प्लास्टिक, लकड़ी, केरोसिन, डीजल बता सकते हैं कौन कौन से है वो। प्रश्न क्रमांक पाँचवा स्टार्ट होता है हमारा, छत्तीसगढ़ भाषा के 10 मुहावरे उसका अर्थ को लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करो। तो फर्स्ट है अपना, अपन आंखी में आंसू आते, अर्थ होगा किसी काम को स्वयं करने से समझ आता है। और दूसरा है अपन चीज के पीरा, तीसरा है भूंगे मछली धाना में कूदे, चौथा है झांझ पर झोला जियान पर एक तोला, पाँचवा है अपन आंखी में आंसू आते। तो पांचवा जो अपन आंखों में आंसू आता है उसको आप बता सकते हैं। और प्रश्न क्रमांक छठवा स्टार्ट होता है, आपके शरीर आपके घर के रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखो। तो अपने बर्तन, अपने घर के जो किचन में बर्तन जो उपयोग करते हैं उसको आपको बताना है। बर्तन का नाम लिखना है एक बॉक्स में, एक बॉक्स में उपयोग लिखना है कि कौन से क्या चीज़ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कढ़ाई, बांगा, डेचकी, थाली, चम्मच, कप, जग, गिलास। अब प्रश्न क्रमांक सातवां है, अपने आसपास के विभिन्न आकृति को देखकर नापकर आकृति बनाएं। तो यहाँ पास सबको आसपास की आकृति को देखना है और नापकर आकृति बताना है। तो यहाँ पास माचिस, पुस्तक, दरवाजा, बॉल, लैपटॉप, पलंग। अब अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक आठवां, अपने गांव शहर में पाए जाने वाले वाहनों के नाम लिखे चक्कों के आकार के अनुसार। तो चक्का के जो आकार है उसके अनुसार आपको गाँव शहर में जो वाहन जो गाड़ी होती है उसके बारे में बताना है। तो वाहन का नाम है साइकिल, ट्रक, बाइक, ऑटो, स्कूटी, ट्रैक्टर, बसे। तो उसके चक्कों की संख्या भी लिखनी है आपको। प्रश्न क्रमांक नौवा है, अपने गांव या शहर का नक्शा बनाकर शाला, मंदिर, पंचायत, समाधि भवन, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, चौराहा बनाकर आदि सभी को दर्शाएं। तो यहाँ पास जो है आप एक मैप बनाना पड़ेगा, आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, उसमें आपको सभी को बताना पड़ेगा, मंदिर को, पंचायत को, समाधि भवन को, तालाब को, स्वास्थ्य केंद्र को, सड़क को, चौराहा को, बाजार को, इन सभी को दर्शाना है और अपने जो कॉपी है उसमें चिपकाना है। तो प्रश्न क्रमांक दसवा है, अपने गांव का इतिहास लिखिए। तो अपने गांव का इतिहास लिखना है, अपने गांव का जो पुराना जो इतिहास है उसके बारे में बताना है कि आपका गांव कैसा था और कैसा रहा, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल जानकारी देना है। प्रश्न क्रमांक ग्यारहवा, तो ग्यारहवा में प्रत्येक छात्र अपने घर के बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊँचाई सप्ताह में माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करें। तो यहाँ पास आपको एक पौधा लगाना है, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि उसकी जो ऊंचाई है, लंबाई, वो सप्ताह में कितनी बढ़ रही है और कितनी वो हो रही है। तो पौधे का नाम आप बता सकते हैं, इसमें हमने एग्जांपल लिया है आम, तो आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। आम अब उसका ऊंचाई प्रथम सप्ताह में, ऊंचाई दूसरे सप्ताह में, ऊंचाई तीसरे सप्ताह में, ऊंचाई चौथे सप्ताह में, तो उसको आपको नोट डाउन करना है। प्रश्न क्रमांक बारहवा है, कोरोना के प्रारंभिक लक्षण लिखे, प्रारंभिक लक्षण दिखने पर उसका उपाय किया जाना चाहिए। तो यहाँ पास कोरोना का जो प्रारंभिक लक्षण है, जो फर्स्ट लक्षण है उसको बताना है। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण, खांसी के साथ तेज बुखार, दूसरा है शरीर में दर्द, सर्दी आना होना। उपाय है किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, डॉक्टर की सलाह लें, उपचार अवश्य करें। प्रश्न क्रमांक तेरहवा है, कोविड केयर सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पास बताना है कि कोविड केयर सेंटर क्या होता है। कोविड केयर सेंटर में कोरोना के मरीजों को रखा जाता है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना है।
प्रश्न क्रमांक 14 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका अंतर ढूंढे। तो 10 जो क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के अपने मन से उसको बनाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसका आंसर लिखना है, तैयार करना है। तो यहाँ पास है प्रश्न क्रमांक प्रथम, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हैं। तो यहाँ पास आप बता सकते हैं 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के लिख के कि कौन कौन से हैं उसको डिटेल में। और प्रश्न क्रमांक 15 स्टार्ट होता है अपना, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता चाचा चाची भैया दीदी घर के अन्य सदस्य से दिखाएं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो यहाँ पास लास्ट क्वेश्चन अपना 15 है, उसमें आपको बताना है कि पूरा जो है आपका हमारा एक प्रयोजन को लिख कर उसके आंसर ढूंढ के सबको आपके दादा दादी या चाचा चाची या मम्मी पापा को दिखाना है, और उनकी जो बिहेव है उनका जो प्रतिक्रिया है उसको बताना है कि उन्होंने आपको क्या बोला है उसके बारे में आपको लिखना है। तो थैंक यू जी, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।